बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे ही उनके माता पिता की चिंता और भी बढ़ने लगती है। आमतौर पर ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों के करियर और उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन इससे हटकर भी एक बहुत ही बड़ा और गंभीर विषय ये है जिस पर अक्सर माँ बाप नहीं सोचते। माँ बाप अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में दाखिला करवा कर ये मान लेते हैं कि उनकी जिम्मेदारी अब खत्म हो गई, लेकिन ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि स्कूल छोटा हो या फिर बड़ा, बच्चों की तरफ से तो कभी भी आप बेफिक्र न हो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ये बेफिक्री आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ दे। अगर आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और वो सही रास्ते पर चले, इसके लिए जरूरी है कि आप उसके दोस्तों से बार बार मिलते रहे और आप अपने बच्चे से पूछें कि आज आपने पूरे दिन स्कूल में क्या क्या किया। हो सके तो आप उनके टीचर से भी मुलाकात करें, क्योंकि आज जो वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं, ये वीडियो इन दिनों सोशल साइट्स पर काफी वायरल हो रहा है। इसे अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। NTI इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहा है। इस वीडियो को यूट्यूब पर वायरल किया गया है, लेकिन उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो 9वीं या फिर 10वीं क्लास के छात्र होंगे। इस वीडियो को दिखाने का मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ गलत काम हो रहा है या फिर इस वीडियो में दिख रहे लड़के लड़कियों पर कोई तरफ का आरोप लगाया गया है, लेकिन इस वीडियो से अभिभावकों को सीख लेने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि वीडियो किस स्कूल के क्लासरूम का है और बच्चे फिल्मी गाने पर डांस कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे को पकड़कर डांस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ गले लग रहे हैं। ऐसा करने में लड़के शामिल है लेकिन उनके साथ लड़कियां भी है, लेकिन पूरे वीडियो में कोई भी टीचर नहीं नजर आ रहा है। ऐसे में ये जरूरी होता है कि अगर बच्चे आपस में डांस या फिर मस्ती कर रहे हैं तो वहाँ पर स्कूल के किसी टीचर को भी मौजूद रहना चाहिए। जिस तरह से लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे के साथ पकड़ रहे हैं, उसे कई परिवार में सही नहीं माना जाता। इसलिए अगर आपका बच्चा भी टीनेज ग्रुप में है और किसी स्कूल में पढ़ता है तो एक बार जरूर स्कूल में उसकी दिनचर्या जान ले और साथ ही उसके दोस्तों के साथ आप बात भी करें और समय समय पर स्कूल से उसकी जानकारी लेते रहें।